नमस्कार, न्यूज फोर्नीशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रजा शर्मा। बाढ़ हो या फिर कोरोना का कहर, तेजस्वी यादव रुकने झुकने या फिर पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं। पीएमसीएच में रेप की खबर हो या फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में घुसकर गुंडाई की तस्वीर या फिर एनएमसीएच से दिल दहलाने वाली तस्वीर, हर तस्वीरों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे बड़ा प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि उनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कोई नया प्लान ही नहीं है। बिहार की जो जनता है वो राम भरोसे है। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, सुनिए। सरकार को सचेत करते रहे हैं कि बाढ़ को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए जो इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए था, जिस प्रकार से डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना चाहिए था, उसमें पूरी तरीके से सरकार जो है फेल नज़र आई। और आप तो देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि एनएमसीएच के डायरेक्टर को जो है बिहार सरकार ने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि उन्होंने सरकार के पोल को खोला है। सेंट्रल की जो टीम आई थी, तीन सदस्य, उस वजह से अब बाढ़ का जो विकराल रूप जो लेता जा रहा है, सारी नदियां, चाहे कोसी का इलाका हो, हिमाचल का इलाका हो, आपका बागाहा का इलाका हो, इन सब इलाकों में जो है, नेपाल से जितना सीमा जो भी है अपना बॉर्डर का इलाका, वहाँ जो है भारी मात्रा में जल का स्तर जो है लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। लगातार कई इलाकों से हमको सूचना मिल रही है कि जो जो छोटे मोटे जो पुल पुलिए थे वो टूटते जा रहे हैं और उसको भी नदी का जो लेवल जो है वाटर लेवल वो क्रॉस कर गया है। तो ऐसी स्थिति में पूरा सिस्टम नीतीश कुमार अदृश्य है, कहीं नज़र नहीं आ रहे। और हम लोग सब लोग विपक्ष की दायित्व है, जिम्मेवारी है, और 3 अगस्त से विधानसभा भी चालू है, तो हम लोगों की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है, जाकर के देखना है, लोगों के दुख दर्द को जो है सामने लाना है और उनकी आवाज़ को बुलंद करना है। सरकार की कमियों को जो है सरकार के सामने हम लोग लाएंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई। दूसरी, जो दरभंगा का जो अस्पताल है DRMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ अस्पताल में घुस करके गुंडे लोग हमारे पार्टी के एक नेता की मौत मारने का, जान लेने का काम करते हैं, रॉड से घुस करके बड़े तादाद में। आप बताइए, जो COVID-19 को लेकर के जो एडमिट था, हालांकि रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी उसकी, अस्पताल की ये है। अस्पताल में PMCH में रेप हो जाता है बच्ची के साथ। दरभंगा के अस्पताल में जो है हमारे कार्यकर्ताओं को कई गुंडे जो है अस्पताल में घुस करके मार देते हैं। प्रशासन जो है मौन है, कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई गुनाहगार को पकड़ा नहीं गया है। यहाँ COVID-19 के पेशेंट जहाँ एडमिट हैं, वहाँ इस तरह की स्थिति बनी हुई है जहाँ गुंडे घुस करके मार रहे हैं। यानी कोई COVID-19 में, कोई आइसोलेशन वार्ड में किसी को इजाज़त तो होता नहीं है जाने में, कैसे ये चला गया गुंडे लोग? ये तो सरकार जो है पूरी तरीके से चुनाव में व्यस्त हो गई है, चुनाव की तैयारी कर रही है COVID-19 को लेकर के और बाढ़ को लेकर के। जो इनको लोगों का जान बचाना चाहिए था उसको इनको चिंता ही नहीं, कुर्सी, अपनी कुर्सी की चिंता है।